नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। हम सभी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, हज़ारों काम करते हैं ताकि हमें सक्सेस मिल सके। बहुतों की लाइफ का पर्पस ही ये होता है कि उसको वो सक्सेस मिल जाए। लेकिन सक्सेस कभी भी जो है अकेला नहीं आता, सक्सेस के साथ प्रॉब्लम भी आती है, सक्सेस के साथ वाउंडिंग भी आती है। जी हाँ, जिस कार्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। और नाइन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एक ऐसा है जो कि बताता है कि जिसमें इस आदमी को चोट लगी, एक वाउंडिंग हुई, लेकिन नाइन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो एकदम से नहीं घट गया। उसके पीछे की हिस्ट्री हमें देखनी पड़ेगी उसको समझने के लिए। जो इसका पिछला कार्ड है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखेंगे, इट्स अ कार्ड ऑफ सक्सेस, गुड न्यूज़, लाइक अ गुड न्यूज़ इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, सम काइंड ऑफ अ गुड फॉर्चून इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। दैट इज व्हाट द एट ऑफ वॉन्ड्स इज ट्राइंग टू टेल अस, इट्स अ गुड न्यूज़। लेकिन अगर वो गुड न्यूज़ ही थी तो फिर अगला जो कार्ड था नाइन ऑफ वॉन्ड्स का, इसमें जो है कुछ गड़बड़ हो गई। वो एट वॉन्ड्स का सक्सेस तो उसको मिला जो कि दिखता है कार्ड में, क्योंकि एट वॉन्ड्स जो है उसकी अचीवमेंट की तरह उसके पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन जो समझ में आता है कि एक वॉन्ड जो है उसके सर पे लग गया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो वॉन्ड्स जो सक्सेस दे रहे थे आप, वहाँ से एक वाउंडिंग भी क्रिएट हुई। सक्सेस तो मिला लेकिन साथ में चोट भी मिली। सो इस कार्ड की डिटेल में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कीवर्ड्स होंगे स्ट्रेंथ, डिफेंस, करेज, प्रसिस्टेंस, हेजिटेट, टेस्ट ऑफ फेथ, रेजिलियंस, ऑन द एज, पैरानॉया एंड स्टबर्न। सो हम एट ऑफ वॉन्ड्स में देखते हैं ये आदमी जो है उसके एट वॉन्ड्स उसके पीछे खड़े हैं और एक वॉन्ड जो है उसके हाथ में है, और लगता ऐसे ही है कि उसने कोई बैटल जो है कोई जीती है, वो लड़ा है, एंड ही हैज़ कम आउट हैज़ अ विनर। दिस इज़ व्हाट इज शोन। लेकिन बैटल तो ख़त्म हो गई लेकिन वो वूंड जो है वो अभी भी इतना फ्रेश है कि ही हैज़ नॉट रियली कम आउट ऑफ इट, ही स्टिल इन दैट शॉक। अगर आप फेस की रीडिंग देखेंगे तो वो लड़ने के लिए तो तैयार है। इट्स लाइक यू नो लाइक ही हैज़ वॉन द बैटल बट देर इज़ समथिंग एल्स विच इज़ कमिंग अप, जिसकी वजह से जो है वो चिंता में है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर जो है एक कॉन्स्टेंट वरी बनी हुई है। जो लास्ट बैटल जो हुआ था, या फिर कहें जो उसको लास्ट सक्सेस भी मिला था, उसमें जो चोट लगी थी, उस चोट के अंदर जो है उसको एक बहुत डीप मेमोरी जो है उसके अंदर चली गई, एक बहुत डीप शॉक उसके अंदर चला गया, जिसकी वजह से वो उसमें अटक गया। नाइन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये भी बताता है कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अटक गए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का जो व्यक्ति है जो हम देखते हैं इमेज में, वो ड्रेन्ड और एग्जॉस्टेड भी दिखता है हमें। लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि वो एक नई बैटल में जाने के लिए भी तैयार है। He is ready to go into a new battle, which is a good sign. But the only problem is he has not recovered from the past wounding. अगर अगली battle जो है अच्छे से जीतनी है तो उसकी अगर healing नहीं हुई है ठीक से, तो it will be difficult for him to win the next battle. हालांकि हम card में ये देखते हैं कि इसके अंदर, इस figure के अंदर जो है, it's like he is full of determination. He is ready to fight. He is not worried about anything. He thinks, you know, that he will be able to accomplish anything, जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। लेकिन बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, इसको और चोट ना लगे, या फिर ये ऐसा कहें कि he should learn from the past and he should not be doing those same old mistakes which has happened in the past. Nine of Wands में एक मैसेज और आता है कि like you stand for something which you believe for. चाहे ऑल दी ऑड्स आर अगेंस्ट यू बट यू
believe in something and you stand for it, you know. तो नाइन ऑफ वॉर्ड्स में ये भी मैसेज है कि जो ट्रुथ, जो सच्चाई आपको समझ में आ गई है, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में आ गई है, उसके लिए आपको जो है खड़ा होना है, चाहे चोट भी लग जाए. दिस इज़ वॉट वन ऑफ द अनदर मीनिंग ऑफ नाइन ऑफ वॉर्ड्स इज, कि आपने इतना अचीव करा है, आपने वो अगर आप देखेंगे उसके पीछे जो एट वॉर्ड्स हैं वो अचीवमेंट के हैं. So he has actually achieved nine of the wands. The only thing which is left is the tenth wand. So nine of wands suggests करता है कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, कि एक कदम और कि आपको अगली मंजिल आपको अपनी मिल जाएगी. और साथ में वो ये भी इस कार्ड में दर्शाया गया है कि उसको अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिन तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब टूल्स जो हैं कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इस आदमी को वो विक्ट्री मिल सकती है. सो कार्ड में ये भी मैसेज आ रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग दैट सक्सेस, डोंट गिव अप नाउ. आपकी जो पूरी यात्रा है वो नौ तक पहुंच गई है, सिर्फ एक स्टेप और एंड यू विल हैव द सक्सेस विद यू. नाइन ऑफ वॉन्ट्स में एक और मैसेज आता है, वो ये कि अगर आप फिगर को देखेंगे तो ही इज ट्राइंग टू गार्ड हिज ऑल एट वॉन्ट्स विच आर बिहाइंड हिम. तो कुछ आपने ऐसा एकम्प्लिश कर लिया है कि अब आपको जो है उसको गार्ड करना पड़ रहा है. हालांकि गार्ड करते हुए इतनी अच्छी स्टेट नहीं दिख रही है, बिकॉज ही इज़ वरिड, ही इज़ टेंस्ड, ही इज ऑल द टाइम, यू नो, ही इज स्ट्रेसफुल, ही इज थिंकिंग, यू नो, हाउ ही विल डील विद दिस. सो दिस इज़ वन ऑफ द पोजिशन विच इज शोन. सो नाइन ऑफ वॉन्ट्स का सिर्फ एक मीनिंग नहीं है, नाइन ऑफ वॉन्ट्स के जो है डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं. और एक दो मीनिंग्स की बात मैं और करना चाहूँगा, जैसे कि आपने अपने पास के लेसन से सीखा नहीं और वही मिस्टेक जो है आप दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि जो फिगर में जो एक जो सबसे बड़ी बात जो शो करती है कि वो जो उसका वूंड है वो कहीं ना कहीं सारी पोल पट्टी खोल देता है. वो हमें ये बता देता है कि सक्सेस किसी काम का नहीं है अगर वो आपको चोट देता है. क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि उसके पास पावर तो आ गई है, उसके पास वो अचीव तो उसने कर लिया जो उसने करना था, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं है. उसके चेहरे पे हम दुख और चिंता के अलावा और कुछ नहीं देख सकते. और क्योंकि हम दुख और चिंता के अलावा और कुछ नहीं देख सकते, तो वॉट वी सी इज़ लाइक ही इज़ ऑन द डिफेंस ऑल द टाइम. अगर आप हर वक्त डिफेंस में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है पूरी नरक हो जाएगी. देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को कि इफ़ यू आर ऑन योर डिफेंसेस ऑल द टाइम यू कांट लिव. डिफेंस मीन यू आर लिविंग इन नो, यू आर काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, एंड वंस यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ यू आर ऑन योर गार्ड्स ऑल द टाइम. एंड व्हेन यू आर ऑन योर गार्ड्स ऑल द टाइम यू विल नॉट बी एबल टू रिलैक्स, एंड वंस यू आर नॉट एबल टू रिलैक्स यू विल नॉट बी एबल टू have a flow of love in your life. So defense kuch time ke liye theek hai, lekin if it becomes a part of your life, if it becomes a natural cycle of your life, then it is dangerous, then it is not good at all. Aur finally is card mein main ek aur deeper meaning dekhta hu. Aksar maine kuch logo ke liye jo read kara hai to maine unki reading ke basis ke upar main aapko ye baat bata sakta hu ki ye card jo hai थोड़ा ये शो करता है कि किसी के चाइल्डहुड के अंदर कुछ ऐसी बात हुई है जिसको वो भूल नहीं पाया, कुछ ऐसा ज़ख्म मिला है, कोई ऐसी चोट मिली है, कोई ऐसी इमोशनल बात हुई है, या फिर कुछ ऐसा कुछ गहरा कुछ सदमा लगा है जिसके कारण जो है वो मेमोरी अभी तक है. और नाइन ऑफ वॉन्ड्स में वो जो वूंड है उसकी एक रिमेम्बरेंस आ जाती है. तो अक्सर मैंने रीडिंग करते हुए देखा है कि जिनके चाइल्डहुड के अंदर कुछ प्रॉब्लम रही है, कुछ चाइल्डहुड में ऐसा कुछ जो है कुछ वूंडिंग रही है उनके, इट कुड बी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, कुड बी एनीथिंग, नाइन ऑफ वॉन्ड्स में जो है वो हमें इंडिकेट करना शुरू कर देता है. एंड वो जब आपकी रीडिंग में जब नाइन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है तो हमें वो यही बताने की कोशिश कर रहा है, इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट, इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट वूंड which has been troubling you for a very long time. Career के point of view से अगर हम बोलेंगे
तो हम ये बता सकते हैं कि लाइक दिस पर्सन हैज़ अचीव्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन हिज लाइफ, बट इट इज़ ऑल्सो गिविंग हिम वरीज एंड टेंशन, एंड वन जस्ट नीड्स टू लर्न फ्रॉम इट, एंड ओनली इफ इट इज़ नेसेसरी ही शुड फाइट, अदरवाइज ही शुड विड्रॉ हिमसेल्फ. बट इफ ही सीज यू नो लाइक इफ द बैटल इज नॉट टू मच, इफ ही हैज अचीव्ड ऑलमोस्ट वट एवर ही वॉन्टेड टू अचीव, देन वन और टू स्टेप मोर, देन यू शुड बी डन. एंड वेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट सम वूंडिंग विच हैज़ कम अप इन द पास्ट. प्रॉब्ली अ कपल हु इज मैरिड, दे आर लिविंग टुगेदर, एवरीथिंग इज गुड, बट देर इज समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग, देर इज समथिंग विच इज नॉट मेकिंग दिस कपल हैप्पी, एंड देर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ यू नो फाइट विच इज गोइंग ऑन. नाइन ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि देर इज सम काइंड ऑफ वूंडिंग विच हैज़ हैपन्ड बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप. इट्स टाइम टू हील, इट्स टाइम टू गो हैड एंड टॉक टू ईच अदर एंड गेट आउट ऑफ दिस. सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर नाइन ऑफ वॉन्ड्स. जाते जाते ऑफकोर्स मैं आपसे एक कोट शेयर करना चाहूँगा जो कि हेलेन केलर का है. हेलेन केलर जो है बहुत फेमस ऑथर रही हैं, एंड शी वॉज ब्लाइंड एंड शी हैज़ टच द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. और उनकी एक कोट है जो कि मैं इसके साथ जोड़ सकता हूँ, मैं उस कोट के बारे में बात करूँगा. वो कहती हैं कि कैरेक्टर कैनॉट बी डेवलप्ड इन ईज एंड क्वाइट, ओनली थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ ट्रायल एंड सफरिंग कैन द सोल बी स्ट्रेंथन्ड, विजन क्लियर्ड, एम्बिशन इंस्पायर्ड एंड सक्सेस अचीव्ड. तो आप देखते हैं कितनी सुंदर वो बात बोलती हैं. वो कहती हैं कि एक आदमी जो है उसकी सफलता का राज जो है उसके पीछे जो है उसकी स्ट्रगल भी है. ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, इट्स ओनली बिकॉज ही हैज़ लर्न्ड टू सर्वाइव एंड लर्न टू बी अ विनर, ही हैज़ कम टू अ स्टेज वेयर हिज कैरेक्टर हैज़ बिकम समथिंग. सो विद दिस कोट आई विल से गुड बाय टू यू एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नमस्ते.